कि हम लोग कुछ दुकानदारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी जमाव के चलते एक भी कस्टमर हम लोगों के दुकान के तरफ नहीं आते हैं। इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हम लोगों को, क्या क्या कहा जाए। बात है पानी का, और आगे ऐसे पानी पड़ता रहेगा तो हम लोग तो दुकानदारी साफ चौपट हो जाएगी। हम लोग बैठे बैठे म्यूनसिपलिटी को सिर्फ भाड़ा दे रहे हैं डबल ट्रिपल करके, लेकिन अभी तक हम लोगों का समाधान कोई नहीं निकल पाया। कई बार हम लोगों ने अपील किया, अगले साल भी किया था, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। अब ये स्थिति है कि हम लोग यूँ बैठे हम लोगों का समय पास हो जाता है, कुछ मने दुकानदारी कर ही नहीं पाते हैं पानी के कारण। इसका शिकायत अगले साल भी हुई थी, आके देखा भी गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम भरत किशोर केसरी हुआ, मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। का पानी पूरा जल भरा, पूरा पानी भर जाता है, दिक्कत होता है, ग्राहक नहीं आता है, परेशानी होता है, नाली जाम है। जब से नाली बना कभी नाली साफ नहीं हुआ। ना कोई देखने नहीं आता, कभी कोई देखने नहीं आया। कितना बार तो सामान भींग गया, हम लोग सामान सुखाए छत पे, घर ले गए, बर्बाद हो गया। ये काफी बड़ा मार्केट है, तो इसका कोई सलूशन नहीं? नाली सर नहीं है यहाँ पर, नाली थोड़ा सा जगह छोड़ा गया है, कचरा से भर गया, कभी आज तक साफ हुआ नहीं, बहुत दिक्कत है। देखिए ना, उधर ग्राहक आ रहा है, इधर ग्राहक ही नहीं है। पानी में कौन आवे, कोई लेडीज नहीं आती है, कोई जेंट्स नहीं आता है।